तो फाइनली गाइस आ चुके हैं एनी वर्ल्ड के टीजर के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई क्या ही बताऊं यार, इसका इतना इंतजार था ना, इतना इंतजार। देखो कोई मूवी जब पोस्टपोन होती है ना तो वो रिलीज से काफ़ी क्लोज आगे जाती है, जैसे कि यहाँ पे एनिमल ने किया था। तो हमें सिर्फ उस टाइम लग रहा था कि भाई अगस्त से पहले आ जाएगा जब हम काफ़ी क्लोज पहुँचते हैं तो फिर सडनली यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि मूवी नहीं आ रही है, तो फिर यार एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, जो कि सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो फाइनली भाई टीज़र तो देख लिया, टीज़र देखने के बाद अभी यही क्वेश्चन से क्रिएट हुआ कि भाई वो गया भाई, जो पीछे 21-22 था ना, 22-23 स्टार्टिंग से था थोड़ा बहुत कुछ एक्टर का, तो गाइस वो गया, वो खराब टाइम गया। कहते ना कि जब खराब टाइम चल रहा होता है तो भाई अच्छा टाइम भी आएगा, और अच्छा टाइम किसी का भी चल रहा होता है तो भाई खराब टाइम भी एक बार आता है। तो बॉलीवुड के वो एक दो साल यार खराब गए, थोड़ा इतना अच्छा खासा टाइम नहीं था यार, अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आई वो भी यार पिट गई। लेकिन 23 में जो भी मूवीज आ रही है भाई, मसालेदार मास मूवी, और बॉक्स ऑफिस में भी धमाका मल करती जा रही है, और कुछ इसी तरह का भाई एनिमल का टीजर है। जस्ट हमने यस्टरडे को देखा था भाई, यहाँ पे टाइगर का यहाँ पे टीजर क्या बाप लेवल का वो था, और यस्ट गाइस अभी ये देखा, क्या बताऊँ यार, रणबीर कपूर क्या एक्टिंग। सबसे पहले यार हैप्पी बर्थडे नहीं बोला उनको, हैप्पी बर्थडे यार मेरी तरफ से। तो क्या यार उनकी एक्टिंग, क्या मतलब यार बंदा ब्रह्मास्त्र तू जूठी में मकार, यार कहाँ से यार कहाँ पहुँच गए, एक आसमान दूसरा जमीन, कितना फ़र्क है दोनों मूवीज़ के बीच में। यस्ट मकार से ये वाला देखो रेड्डी साहब ने क्या करके, मतलब क्या कर दिया यार रणवीर का भाई, बंदा ये ऑलराउंडर, सीरियसली गाइस ये ऑलराउंडर है, इसको बोलते हैं भाई असली सुपरस्टार। क्या एक्टिंग स्टार्टिंग से मतलब परफॉर्मेंस की है। टीजर की बात करूँ गाइस तो मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, चाहे फिर वो उनकी स्टार्टिंग से वो इमोशनल सीन हो, सैड सीन हो, रणवीर का थोड़ा इनोसेंट दिखना हो, बट ऐसा होता नहीं है भाई। वो बंदा वो अनिल यार क्या बाप है, वो बाप नहीं वो है भी बाप ही है भाई, और सीरियसली क्या उन्होंने भी यहाँ पे एक्टिंग की है, और रणवीर नहीं भाई अनिल कपूर ने यार सीरियसली यहाँ पे अनिल ने यार इम्प्रेस कर दिया। जब उनका मैंने फर्स्ट पोस्टर देखा ना, वो इतना अच्छा नहीं लगा था मेरे को, सीरियसली गाइस जो अभी यहाँ पे एनिमल का आया था इतना अच्छा नहीं लगा था, बट इसमें यार उन्होंने यू एक्टिंग की है ना यार, काबिले तारीफ है यार। और नेक्स्ट भाई पहले लगा था कि यार ओ यार धोखा दे दिया यार, बॉबी देओल नहीं होंगे इसमें, वट यार सडनली लास्ट जाते जाते भाई बॉबी देओल की भी एंट्री हो जाती है, वो भी एक बॉडी बिल्डर के साथ भाई बॉबी देओल, और क्या बंदा ऐसे देख रहा था, वैसे लग रहा कि भाई काट देगा अभी। सीरियसली गाइस मेरे को टीजर काफ़ी अच्छा लगा, चाहे स्टार्टिंग से म्यूजिक थोड़ा सैड टाइप का हो, लास्ट में जो रणवीर का जो दूसरा लुक था, सेकंड हाफ लुक था जो फाइट सीन वाला, वो मेरे को कंपैरिजन टू फर्स्ट लुक से जो सैड वाला था मतलब उससे थोड़ा मेरे को बेटर लगा यार वो सेकंड वाला। क्या यार दाढ़ी थी, क्या चश्मा, क्या बंदे की यार एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग यार आउटस्टैंडिंग। पर्सनली मेरे को यहाँ पे ये टीजर अच्छा लगा है, बस अभी वेट है ट्रेलर का, जो भी सॉन्ग इसमें है रश्मिका बंद्रा जोड़ी तो काफ़ी अच्छी है, तो बाकी वेट है 1st दिसंबर का। तो फिलहाल गाइस अभी के लिए तो इतना ही, एंड आपको भाई ये मसालेदार टीजर है गाइस वो कैसा लगा है यस बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब, मिलते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए